सभी हिंदुओं से निवेदन है अपने घर परिवार रिश्तेदार पास पड़ोस की हिंदू महिलाओं को ध्यान पूर्वक बता दें कि साईं बाबा कोई हिंदू देवता नहीं, यह एक मुसलमान था, एक जिहादी था, गौ मांस खाता था, मीट मांस खाता था, नमाज पढ़ता था, मरने के बाद इसे दफनाया गया, जलाया नहीं गया। यह हमेशा बोलता था सबका मालिक अल्लाह, एक कट्टर जिहादी था। इसे कई साल तक अंग्रेजों ने जेल में रखा था, क्यों? क्योंकि यह हिंदू महिलाओं बच्चियों को शिकार बनाता था, अपहरण करता था। इसके बाप का नाम था बदरुद्दीन, जो कि अफगानिस्तान का एक मुसलमान था। अभी भारत में जितने भी हिंदू मंदिर है उसका साईकरण किया जा रहा है। गद्दार हिंदू संगठन जैसे RSS, इसने कभी नहीं बताया हिंदुओं को कि साई बाबा एक मुसलमान था। अभी इंटरनेट आने के कारण और कुछ बहादुर हिंदुओं के कारण लोगों में जागरूकता आई है। शंकराचार्य ने बताया, जैन मुनि ने बताया, राहुल आर्या ने बताया, कुछ बहादुर हिंदुओं ने व्यक्तिगत रूप से साई बाबा और चांदनिया की सच्चाई को उजागर किया है। लेकिन ये पाखंडी हिंदू संगठन, गद्दार संगठन, इतने दिनों से हिंदुओं से ये सच छिपाए हुए थे। इन्हें पता होना चाहिए कि साई बाबा कौन था। कितने सारे हिंदू मंदिर, मुख्य हिंदू मंदिर का साईकरण किया जा रहा है, हनुमान जी की मूर्ति हटा करके उसमें साई को लगाया जा रहा है। और महाराष्ट्र में तो बात ही कुछ और है, वहाँ पे गणपति को विस्थापित करके साई का मंदिर बनाया जा रहा है, साई नाम से बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, साई नाम से दुकान खोले जा रहे हैं और गणपति पूरी तरह से गायब हो चुका है। शिरडी में प्रत्येक साल हजारों हिंदू महिलाएं जो वहाँ जाती है गायब हो जाती है, उनका रेप करके, उनके मर्डर करके उनके ऑर्गन को बेच दिया जाता है। और इसकी सच्चाई आ चुकी है, न्यूज में भी आए हैं और मुंबई हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है जांच के लिए। लेकिन चांद मियाँ के पास, साई बाबा के शिरडी मंदिर के पास इतने पैसे आ गए हैं कि इस जांच को होने देने नहीं दे रहा। इसलिए मूर्ख हिंदू, चुतियावा बंद करो और साई की सच्चाई सबको बताओ, इसके पहले तुम्हारे घर की कोई बहन बेटियां शिकार हो जाए। इसलिए सभी को बताओ कि साई बाबा कोई हिंदू देवता नहीं है, एक मुसलमान था। यदि आपके घर में, आपके रिश्तेदार के घर में, पास पड़ोस के घर में, आपके मंदिर में अगर साई की मूर्ति या फोटो है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसे उखाड़ कर फेंकें। यदि किसी पुजारी ने साई की मूर्ति बैठा दी है किसी मंदिर में, हिंदू मंदिर में, तो आप उस पुजारी को पहले लात मारकर भगाएं और उससे पूछें कि किसके कहने पर बैठाया था। मैं कुछ महीने पहले दिल्ली में था। दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति को नीचे उठा दिया, नीचे रख दिया उठाकर, और उसके ऊपर साई की मूर्ति लगा दी। मैंने पुजारी से पूछा किसके कहने पे लगाया हो, तो उसने बोला कि जूता वाला है, उसके कहने पे लगाया है। जूता वाला जो कि मुसलमान है, एक जूता का दुकान खोले हुए है, उसके सामने जो हिंदू मंदिर है उसमें वो क्या कर दिया।